व्हाट्सएप वीडियो बाय फैजान और वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके सो आज वीडियो में बताने वाला हूँ हेड स्प्रे को कैसे यूज करते हैं, इसको यूज करने का सही तरीका। बट उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, बिकॉज फ्यूचर में बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली जो कि तुम मिस कर सकते हो। एंड मेरी किसी भी वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। सो जाओ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, यूजर नेम या मेंशन हो जाएगा एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो हम बात कर रहे थे हेड स्प्रे को यूज कैसे करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं हेड स्प्रे किस लिए यूज करा जाता है और ये क्यों बना है। बेसिकली हेयर स्प्रे को प्री स्टाइलर की तरह यूज नहीं कराया जाता, ये एक पोस्ट स्टाइलर होता है। जैसे कि अगर तुमने जब पूरे हेयर सेट कर लिए हैं उसके बाद ये होल्ड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। होल्ड इससे बहुत अच्छे लेवल का आता है। एंड मैं किसी भी ब्रांड की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। पर्सनली मैं गैट्सबी की यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले एंड अभी तक भी मुझे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला एंड इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। पर्सनली मेरी फेवरेट है एंड इससे पहले मैं एक ब्रांड की और यूज़ कर रहा था, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा। तो नॉर्मली गैट्सबी की यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम, बहुत अच्छी है, तुम भी यूज़ कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसे पोस्ट स्टाइलर की तरह यूज़ करते हैं। नॉर्मली चीज़ जब भी इसे स्प्रे कर रहे हो तो अपनी आई को थोड़ा सा बचा के रखना, बिकॉज ये उसके लिए हार्मफुल हो सकता है एंड देखते रहना कि तुम्हारी आईज़ पे ना जाए। एंड नॉर्मल ऐसे हैंड रख सकते हो और उसके बाद ऐसे करके स्प्रे कर सकते हो। तो जैसे कि मैं सही तरीका तुम्हें बताने वाला हूँ, तो अभी मैं तुम्हें कोई हेयर सेट करके नहीं दिखाने वाला हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने हेयर सेट कर रखे हैं एंड इसके बाद सीधा मैं तुम्हें अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं जल्दी से इसे अप्लाई करते हैं। एंड एक और चीज़ इसे अप्लाई करने से पहले बता दूँ कि इसे हेयर्स के ऊपर लगाते हैं, रूट्स पे नहीं लगाना, इसे नॉर्मली ऊपर लगाना है, यहाँ पे तुम्हें लगाना है एंड यहाँ लगाना है, इसे रूट्स पे नहीं लगाना होता। सिर्फ ये होल्ड बाहर से प्रोवाइड कर देगा बहुत अच्छी एक्सट्रीम लेवल पे। अगर तुम अपना हेयर सेट करने ना अगर चाहिए तुम्हें एक्सट्रीम लेवल होल्ड सुबह से रात तक चलने वाले, तो ये बहुत सही चीज़ है, इसे परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे लिंक से खरीद लेना, मेरा ही फायदा हो जाएगा थोड़ा सा, लाइक कर देना वीडियो। तो अब नॉर्मली क्या करना है, आंखों पे हाथ रखना है एंड नॉर्मली से एक आधा सेकंड लगता है सूखने के लिए एंड उसके बाद ये एक्सट्रीम लेवल पर होल्ड प्रोवाइड करेगी। जैसे इस टाइम थोड़ी गीली है एंड ये थोड़ी शाइनी लुक प्रोवाइड कराती है, मैट लुक नहीं प्रोवाइड कराती। एंड अभी मेरी नज़रों में कोई ऐसी स्प्रे है नहीं जो थोड़ी मैट लुक प्रोवाइड कराए, बस इसकी यही मुझे एक थोड़ी गलत बात लगती है कि इसके अंदर थोड़ी शाइनी लुक आती है। मुझे शाइनी लुक इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट अगर तुम पार्टी वगैरह में जाते हो एंड तुम्हें लॉन्ग लास्टिंग हेयर चाहिए और तुम नहीं चाहते तुम्हारे यहाँ से हेयर्स निकलते रहे एंड यहाँ से हेयर्स निकलते रहे, तो तुम नॉर्मल क्या कर सकते हो, इसे लगा कर जाओ, बहुत अच्छा होल्ड प्रोवाइड करवाती है। अगर तुमने जिस तरीके से हेयर सेट करा है एंड उसी तरीके से इसे हेयर स्प्रे कर दिया तो ये हेयर स्टाइल वैसा का वैसी रहेगा 7-8 घंटों तक, ये गारंटी है मेरी। पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना इसे आंखों पर नहीं लगना चाहिए, नॉर्मली स्प्रे अगर आंखों पर आ जाती है थोड़ी तुम्हारे लिए आंखों के लिए हार्मफुल हो सकती है। एंड एक और चीज़, जब भी तुम इसे यूज़ करो मेक श्योर कि रात को इसे वॉश आउट करने के बाद सो, बिकॉज ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं एंड ये तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो एक चीज़ जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है, तुम जब भी इसे यूज़ कर रहे हो रात को वॉश आउट करने के बाद सोना एंड देन ये गुड टू गो है, मतलब बहुत बड़े चीज़ है, तुम इसे यूज़ कर सकते हो। आज की वीडियो में तुम्हें बताया इसे कैसे यूज़ करते हैं बिल्कुल सही तरीका एंड इसे वॉश आउट करने के बाद ही सोना। ओके सो आज की वीडियो में बस इतना है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड आई होप कि चैनल को तुमने सब्सक्राइब कर रखा होगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे अगली वीडियो को टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे स्टाइलिश, आई एम फैजान सैफी।